मैंने आपसे कोई बात की है जो आप ये बेकार की बहस कर रही हैं मेरे साथ? लो, मैंने कोई गलत बात कही है क्या? तुम्हारी बीवी का सारा दिन यही तो काम है, दिन रात मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती रहती है और तुम इंसाफ के देवता बनकर माँ से जबान दराजी करते हो, लड़ने पहुंच जाते हो। मैं आपको बता रहा हूं मॉम, अगर आपका ये रवैया बरकरार रहा ना तो बहुत नुकसान होगा इस घर के रहने वालों के लिए। क्या धमकी दे रहा है मुझे? मुझे धमकी दे रहा है? चार पैसे क्या कमाने लगा, दिमाग आसमान पर हो गया। अच्छी तरह देख लूंगी मैं, मेरा नाम भी सोफिया नहीं। क्या बात है सोफिया, खैरियत तो है? किस बात का इतना सदमा ले लिया है कि तुम्हारा दिमाग ही पलट गया? यूं अकेले में किससे बातें कर रही हो? ठीक तो हो? अब इस चुड़ैल की भी कमी थी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी कमी महसूस हो रही थी, मिस कर रही थी मुझे। ये लो, मैं आ गई तुम्हारे पास। अब बताओ ना, खुद से क्या बातें करी थी तुम? Just go to him. अरे वो तो वैसे ही बहुत तंग थी उस निकम्मे निखट्टू आमिर से। तीन चार साल पहले ही तो उसने काम शुरू किया है, और वो भी कौन से वो पैसे अपनी माँ के हाथ में लाके रखता था। जब बेटा किसी काम का नहीं है ना तो उसके जाने में ही आफियत है। बेटा सलमान, अपने अब्बू को ये खाना दे। अम्मी आप खुद देना उन्हें, मैं क्यों दूं? बेटा वो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते, हालांकि मैंने तो उनसे माफी मांग ली थी, पर अब भी वो मुझसे नाराज हैं, मेरी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। मम्मी आप वहां जाएं तो सही, बात तो करके देखें, यकीनन माफ कर देंगे। बेटा मैं एक ऐसी गलती की माफी मांग रही हूं जो कि मैंने की ही नहीं, और घर वाले मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि जो घर में हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। हालांकि इस घर में जो तबाही आई है वो मेरी वजह से नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आमिर है। अम्मी आपके दिल में जो आमिर के लिए नफरत है उसको आप निकाल नहीं सकती, दिल से उसको कबूल कर लें, उसको प्लीज अपना लें। अम्मी मुझे तो लगता है कि अल्लाह की तरफ से हो रहा है ये सब कुछ, क्योंकि आप आमिर को दिल से कबूल नहीं कर रहे तो अल्लाह आमिर को हमसे दूर रख रहा है। देखो तुम लोगों को जो सोचना है जो समझना है समझ लो, आमिर गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। बेटा ये खाना ले जाकर अपने अब्बू को दे दो, वो शुगर के मरीज हैं, बहुत देर से उन्होंने कुछ नहीं खाया, कि उनके लिए ठीक नहीं है। जाओ बेटा।
नब्बू खाना खा ले। नहीं बेटा, भूख नहीं है मुझे। वो आपका ऐसा भूखा रहना ठीक नहीं है, प्लीज थोड़ा सा खा लें प्लीज। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पर एहसान कर दो, मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ लो, मेरे आमिर को ला दो मुझे। अबू प्लीज आप टेंशन मत लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आ जाएगा आमिर, और अगर ना भी आए ना तो मैं आपको आमिर के पास ले जाऊंगा। आप अभी खाइए। नहीं बेटा, निवाला मेरे हलक से नहीं उतरेगा मेरे बेटे के बगैर। नहीं अबू प्लीज, देखिए आप परेशान मत हो, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, प्लीज आप कुछ तो खा लें, ऐसे ठीक नहीं है आपके लिए। तुम्हारी माँ ने खाना खा लिया? नहीं, उन्होंने भी नहीं खाना खाया, आपकी नाराजगी की वजह से वो भी भूखी हैं अभी तक। चलो तुम्हारी माँ के साथ मिलकर खाते हैं खाना। थैंक यू अबू, बस आप भी जल्दी से आ जाए। अच्छा बीना आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो जी। हमारी तरफ से आपके लिए जो भी दिल आजारी हुई हो हमें माफ कर दें, हम सफर पर जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी नाराजगियां दूर हो जाएं। खाना नहीं खाया ना उन्होंने, बहुत जिद्दी हैं। आमिर बिल्कुल उन्हीं पे गया है। तुमसे बड़ा जिद्दी कोई नहीं है इस घर में, चलो खाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है। देखो अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अम्मी प्लीज जिद ना करें। चले मैं आपको अपने हाथ से खिलाता हूं, ऐसे नहीं मानेंगी आप। जाने नहीं है क्या ये जिंदगी, सोचो कभी तो सपना, देखें कहीं तो हर पल है खुशी और कहीं है रोना, रेत के घर को ढेर है बनना, पाना कभी है खोना, ये कैसी मोहब्बत है, आंखों से छलकती है, ये कैसी मोहब्बत है, होंठों पे
मचलती है। क्या बात है, मॉम ने फिर कुछ कहा है क्या? वो तो रोज ही कहती हैं। इसलिए उदास हो? नहीं, एक और वजह है। फिर क्या वजह है? वो मुझे जहाज के सफर से डर लग रहा है। तुमने पहले कभी किया है जहाज का सफर? नहीं, आज से पहले तो कभी सफर नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है, टेंशन भी हो रही है। जब मैं जहाज में बैठूंगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करूंगी। अरे कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? पता है कि कुछ नहीं होता, मगर बस एक डर है, इसका क्या करूं मैं? तो मैं होऊंगा ना वहां पे तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है? मैंने तो ये भी सुना है कि जब जहाज उड़ता है ना तो वॉमिट से आती है, नोजिया सा फील होता है। हल्का हल्का होता है, लेकिन हर किसी को नहीं होता, डिपेंड करता है। और ये भी सुना है कि कानों में भी दर्द होता है, दबाव महसूस होता है। हाँ तो क्या हो गया, अब दुनिया सफर करती है यार जहाज में, तुम्हें क्यों डर लग रहा है इतना? बस मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि पेरिस के बजाय कहीं और चलते हैं, वहाँ की हालत ठीक नहीं है। जहाँ भी जाएंगे जाएंगे तो जहाज में ही ना। यार अब मैं अमेरिका पेरिस तुम्हें गाड़ी में तो नहीं ले जा सकता ना। अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हें नींद की गोली दे दूंगा, सोती रहना पूरे सफर में। मैं क्यों सोते हुए जाऊं, मैं तो आपसे बातें करते हुए जाऊंगी। ये हुई ना बात। सारा सारा उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। सारा उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे नींद आ रही है। अरे 12 बज गए सुबह के, चलो उठो नाश्ता कर लो। तो तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी से सो, अपनी मर्जी से उठू, कोई नहीं उठाएगा मुझे। हाँ हाँ मैंने कहा था, लेकिन आज तो हमें जाना था ना। कहाँ जाना है? तुम भूल गई हो? हाँ मैं भूल गई। किचन का कुछ सामान बाकी था, वो लेने जाना था, अब याद आया? तुम खुद चले जाना, मैं बार बार बाहर जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। चलो ठीक है, तुम सो जाओ। अच्छा हाँ भाई, ब्रेकफास्ट कर लेना। हूँ ठीक है। मॉम आज फ्लाइट है हम लोगों की, तो क्या रहे हम लोग? पता है मुझे। अच्छा बीना आपसे कुछ कहना चाह रही थी। बोलो जी। हमारी तरफ से आपके लिए जो भी दिल आजारी हुई हो हमें माफ कर दें, हम सफर पर जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी नाराजगियाँ दूर हो जाएं। नाराजगी तो मुझे अपने बेटे से, मेरी बेटी ने मेरा मान तोड़ा है, तो इन्हें भी माफ कर दें। ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? आपके लिए कुछ लाए वहां से? नो थैंक्स। अच्छा मैम डैड और वीना हमें छोड़ने जा रहे हैं, आप चलेंगी? मुझे कहीं जरूरी काम से जाना। ठीक है मैम, चलो वीना। कहाँ जा रहे हो? वो वीना को उसकी मॉम से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, हाजिरी दो अपने ससुराल में जाकर। थैंक यू, चल। मम्मी आज इतवार है ना, चलो इतवार बाजार चलते हैं। अरे क्या पागल वागल हो गई है, आज इतवार है, पी रहे आज। हाय अल्लाह मम्मी, इस घर में तो लगता है हमेशा छुट्टी का दिन है, कुछ करने को होता ही नहीं कोई भी काम। अपने महल्ले में थे तो आस पड़ोस में जाके मिल मिलाप तो कर लेते थे, मगर यहाँ बोरी होते रहते हैं। अच्छा चुप कर जा, आ रही है।
क्या बात है आपा, ये इतना मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कोई बात, मुझे पता है क्या बात है। हाँ हाँ बता बता क्या बात है। अरे भाई मम्मी, एक ही तो मसला है इस घर का आजकल, वो है आमिर। देखो आपा, अब तुम आमिर नामा शुरू मत कर देना खुदा के वास्ते। तुमने खुद ही तो उसको इस घर से निकाला है, अब तुम खुद ही मुंह लटकाए बैठी हुई हो। हाँ हाँ मैंने उसे निकाला है, मगर क्या करूं, उसके जाने के बाद उसके बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। बस अब जो ये तुम्हारी हरकतें हैं ना, यही तुम्हें किसी दिन गड़वाएंगी, तुम देखना। क्या करूं, मुझे कोई तरीका बता कि आमिर भी घर आ जाए और उस मनहूस से हमारी जान भी छूट जाए। देखो भाई आपा, ये तरीका तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। यहाँ तक जो तरीके थे ना, वो हमने तुम्हें बता दिए, अब तुम खुद भी कुछ कर लो। ये तुम आहा के उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने पे ही क्यों नजर रखती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है? अरे दुनिया के सारे मर्द मर गए हैं जो मेरे शौहर के पीछे पड़ गई हो। अब सोफी, जो तुम्हारे काम है देखो वो सब मैं कर रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ अपने काम से काम रखो।